राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे एक विलक्षण कथा है पुराण की शास्त्री जी। विरक्तों को कैसा सहनशील होना चाहिए। एक बार सनकादिक भगवान के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि कैलाश में जाकर भगवान शंकर से कुछ भगवत लीला का श्रवण करें, तो सनकादिक वहां पहुंच गए। भगवती जगदम्बा पार्वती के साथ भगवान शिव एकांत में विराजमान थे। ऋषियों के जाने से पार्वती जी को तनिक संकोच और लज्जा का अनुभव हुआ और उन्होंने कहा कि महाराज, आपने कोई मकान कमरा तो बनाया नहीं, खुले पेड़ के नीचे बैठे हो, कोई अर्दा पर्दा भी आपके आचारों और नहीं है। ये महात्मा लोग चाहे जब चले आते हैं और जब देखो तब घेरे रहते हैं, इनका पेट नहीं भरता कथा सुनते सुनते, वो आपका सुनाते सुनाते पेट नहीं भरता। अरे हम भी तो आपकी अर्धांगिनी हैं, हमें भी कुछ एकांत में आपसे पूछना हो, कुछ समझना हो, तो हमको तो समय ही नहीं है। ये महात्माओं को तो कोई काम धंधा है नहीं, ऊंट जैसे मुंह उठाए डोलते हैं, ऊंट हो जाए। सनकादिकों को कहा पार्वती जी ने, उष्ट्र हो जाओ, ऊंट हो जाओ, हमारी गढ़ी हुई कथा नहीं है, पुराण की कथा है, लिंग पुराण की कथा है। सनकादिक चाहते तो वो शाप दे सकते थे उनको, लेकिन बोले माताजी ठीक है, आपका जो कुछ हम तो आशीर्वाद ही मानते हैं, ठीक है, ऊंट हो गए चले गए। शंकर जी ने कहा देखो देवी, ये तुमसे बड़ा भारी अपराध हो गया है, तुमने उनको उष्ट होने का शाप दे दी, जल्दी क्षमा मांग लो, अपना शाप वापिस लो, अन्यथा अनिष्ट हो जाएगा, भगवान अपने भक्तों का अपराध सहन नहीं करते। पार्वती जी घबराई, बोले चलो खोजो कहाँ है। तो मेरु पर्वत की उपत्यका में सनकादिक उष्ट रूप धारण करके विचर रहे थे। शंकर जी पार्वती जी के साथ पहुंचे, कारो महात्माओं सुनो सुनो सुनो, कैसे हो। कहा बहुत मौज है, आपकी बड़ी कृपा हो गई। क्यों, पहले मानवाकार था तो संध्या करो, गायत्री करो, सूर्यार्घ देव, तर्पण करो, ये सब नियमावली थी। इतने बार इस हाथ में मिट्टी लगाओ, इतने बार इस हाथ में मिट्टी लगाओ, इतना कुल्ला करो, लघु शंका के बाद इतना कुल्ला, डोल डाल के बाद इतना कुल्ला, दुनिया भर का समय कर्मकांड में चला जाता था। अरे कोई जरूरत नहीं, अचला कमंडल की लंगोटी की जरूरत तो रहती ही थी, आपने बड़ी कृपा कर दी, ना अचला की जरूरत, न लंगोटी की जरूरत, न कमंडल की जरूरत, अब तो अहर्निश राम राम करने का समय मिल रहा है, अब कहीं भिक्षा के लिए भी जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम से पत्तियां खा करके राम राम करते हैं, बहुत आनंद है, माताजी बड़ी कृपा की, अब हमको सांप वापस लेने की जरूरत नहीं, हमको इसी रूप में रहने दीजिए। नहीं नहीं भगवान, हमारे अपराध को क्षमा करो, हम अपने शाप को वापस लेती हैं। पार्व कर दिया और सनकादिक अपने रूप में हो गए। कहने का आशय यह है, निवृत्ति निरत महात्माओं को इतना सहनशील और इतना संतोषी होना चाहिए, जैसी परिस्थिति आ जाए उसमें क्षोभ ना हो। यस्मान्नोद विजते लोको लोकान्नोद विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यह सच में प्रियः। गीता जी में भगवान ने कहा हम लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, हम इतना मीठा मृदु व्यवहार बनावें कि हमारे द्वारा कभी कोई उद्विग्न न हो, हम अपने व्यवहार से किसी के चित्त में उद्वेग उत्पन्न न करें। चलो ये सावधानी भी कठिन है, पर हो सकती है ये सावधानी, पर आगे की बात सुनो भैया जी,
यस्मान नोज विजते लोको लोकान नोज विजते चया। हम संसार के किसी भी प्रतिकूल व्यवहार से स्वयं भी कभी उद्विग्न न हो, न तो किसी को उद्वेग पैदा करें अपने व्यवहार से और न किसी के प्रतिकूल व्यवहार से उद्विग्न हो। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग इनसे जो मुक्त भक्त है, भगवान कहते वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ऐसा होना चाहिए। बोलो सनकादिक भगवान की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।